दोस्तों राजेश सीटेक में आप सभी का स्वागत है। और आज जो है हम लोग ये 3 फेज का जो एसी है वो चेक करने के लिए आए हुए। तो इसमें क्या मसला है ना कि इसका कंप्रेशर नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करें, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्लाइमीटर, हमारे पास जो है क्लाइमीटर आप देख सकते हैं, ये क्लाइमीटर से हमने जो है ये सब कुछ यहाँ पे चेक किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या मसला है ना कि इसका कंप्रेशर नहीं चल रहा। तो हम लोग क्या किए कि मेन जो आइसोलेटर है जहाँ से पावर आता है वो हम लोग आइसोलेटर खोले, वहाँ पर पावर चेक किया। ओके, अभी 220 वोल्ट वहाँ पर आ रहा है, लेकिन क्या है ना यहाँ पे कॉन्टैक्टर देखिए 3 फेज का कॉन्टैक्टर है। अगर कॉन्टैक्टर वाली अगर सेपरेट वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको कमेंट करके जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये 3 फेज का ये कॉन्टैक्टर है, ये एक फेज़ हो गया, ये दूसरा फेज़ हो गया, ये तीसरा फेज़ हो गया। ओके, अभी क्या है ना कि जैसे कॉन्टैक्टर ये पुश होता है तो पावर जो है यहाँ से सप्लाई यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, और यहाँ से सीधा जाकर जो है वो कंप्रेशर में जाती है। ओके, तो अभी क्या है कि यहाँ पे जैसे ही कॉन्टैक्टर पुश हो रहा है, यहाँ पे कॉन्टैक्टर पुश हो रहा है, ये जो है ना पुश होता है, ये पुश हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये फेज़ इधर आ रहा है, ये फेज़ फिर इधर आता है, ये फेज़ इधर आ जाता है, लेकिन इन दोनों में फेज़ आ रही है लेकिन इसमें फेज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या किए, ये खोले हैं, ये इस तरह से इसका ढक्कन होता है, ठीक है, ये कैबिनेट होता है, ये हमने कैबिनेट खोला और आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये शॉर्ट है, ठीक है, ये पॉइंट शॉर्ट है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये कॉन्टैक्टर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फेज़ यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो आ रही है, ये फेज़ यहाँ पे आ रही है फ्रेंड्स, ये देखिए ये इस तरह से दबता है, ठीक है। तो यहाँ से दबने से यहाँ से तीनों फेज़ में यहाँ आ जाती है। अभी यहाँ पर नहीं आ रही तो हम लोग क्या करेंगे, ये कॉन्टैक्टर को चेंज करेंगे, मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके,